हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके साथ यहाँ पर हाज़िर हूँ अनदर व्लॉग के साथ, जो कि आप मुझे अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं चेयर लिफ्ट में बैठी हूँ। तो जी हाँ, ये मैं चेयर लिफ्ट में ही बैठी हूँ, जो कि जर्मनी में है, बर्लिन में। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ चेयर लिफ्ट में बैठने का। तो ये है गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, जिसको कहा जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस गार्डन ऑफ द वर्ल्ड जर्मनी में है, जो कि यहाँ पर इन्होंने 22 गार्डन बनाए हैं। दुनिया जहान के जितने भी गार्डन हैं, सारे इन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, जो कि मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम देखने के लिए आई हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ कैसा है कैसा नहीं है। तो चलो मैं आप लोग को भी दिखाती हूँ। जो कि यहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है, चेयर लिफ्ट की अलग होती है, और जो सारे गार्डन होते हैं उनके लिए भी टिकट अलग होती है। अगर आप एक टिकट ले लें सारी चीज़ों के लिए तो ये बेटर होता है, तो अच्छी बात है। अगर आप सारे चेयर लिफ्ट के बाद अपने सारा जो गार्डन है वो भी आप देख सकें, इंजॉय कर सकें, पता लग सके कि किस तरह के और कैसे गार्डन होते हैं। सो यहाँ पर 3 स्टॉप होते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ से उतर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल भी उतरना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जहाँ से आई थी, जैसे मैं चेयर लिफ्ट में बैठी, वैसे ही अब मैं यहाँ पर वापस जा रही हूँ। क्योंकि मैंने ये जितने भी गार्डन हैं, 22 गार्डन, वो तो पूरे नहीं देख सकती, लेकिन मैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर तो करूँ। तो यहाँ पर वापसी में जा रही थी, और उसके बाद जो है हम लोगों ने गार्डन देखना शुरू कर दिए थे। जो सबसे पहले आता है USA का गार्डन, जो सबसे पहले उन्होंने दिखाते हैं वो है। तो ये है जी USA का गार्डन, जिन्होंने अंदर जो है USA की जो कार है, कैलिफोर्निया की, वो वाली कार रखी होती है, और ये इनके ट्रीज़ हैं, और साथ इन्होंने एक नोट लिखा होता है कि डॉग्स की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ, डॉग्स की ज़रूरत नहीं है, इंसान ऑलरेडी बार्क करते हैं, मतलब इंसान पहले ही इतने ज़्यादा भौंकते हैं, और डॉग्स की मतलब यहाँ डॉग्स अलाउ नहीं है, ऐसा USA वालों ने लिखा था। तो ये हम दूसरे गार्डन में आए हैं, ये वाला कौन सा गार्डन है अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन है बहुत प्यारा था। ये सारे गार्डन हैं जो इनके ट्रेडिशनल तरीके से बनाए होते हैं, कि इन इन लोगों के इस तरीके से होते हैं, तो वो सब देखने में बहुत मज़ा आ रहा था कि किस कंट्री का कैसा वाला गार्डन होता है। सो गाइस, आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये गार्डन ऑफ द वर्ल्ड है, और यहाँ पर 22 गार्डन इंटरनेशनल बनाए हैं। वहाँ से ब्राज़ील देख कर आए हैं, और USA देख कर आए हैं। आप नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने यहाँ पर कौन सा गार्डन बनाया है, किस कंट्री का। तो ये वाला बाहर से कुछ ऐसा लग रहा है, अभी आगे देखते हैं इन्होंने ये किस तरीके का बनाया है। तो ये चीले का बनाया है, साउथ अमेरिका जिसको कहते हैं, तो बीन अंडर द ट्रीज। तो ये इस तरीके से इन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है, वर्क नॉन फॉर इट्स पोइट्री विच ही अचीव विद सिंपल ग्रेट। अंदर से देखते हैं, तो ये है इनका, वाओ अच्छा है गार्डन। यहाँ देखिए हनी बी भी चल रही है, वाओ। ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं, काफ़ी डिफरेंट ट्री है, जो हम लोगों ने कभी लाइफ में नहीं देखे हैं गाइस। कितना प्यारा ट्री है, खुशबू सुन के देखते हैं। काफ़ी अच्छा इनका गार्डन होता है, वहाँ से देखे चेयर सारे, वाओ। सो ये जी हम लोग यहाँ पर साउथ अफ्रीकन के गार्डन में आ गए, अफ्रीकन वो के। तो यहाँ से देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ हिस्ट्री जल्दी जल्दी से, साउथ अफ्रीकन। तो अंदर चलते हैं, इनका कैसे बनाया, लेट्स सी। तो ये साउथ अफ्रीकन गार्डन जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, या आप बाल्टियाँ देखे हैरान ना होना, क्योंकि ये बकेट होते हैं, फ्लावर बकेट्स। यहाँ पर फ्लावर्स आएंगे जो कि अभी तक आए नहीं हैं। ये कितना प्यारा, अलग अलग तरीके से यहाँ पर फूल होते हैं, जो कि हमने कभी इस तरह के देखे नहीं होते। ये वाले भी देखें कितना अलग है ये। सो ये है साउथ अफ्रीकन गार्डन, ये देखें साउथ अफ्रीकन, जो कि फेमस इसलिए बहुत अलग है और इतना सख्त है। उफ, क्या कलर है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कौन सा जानवर है, बहुत प्यारा साउथ अफ्रीकन ट्री है, पौधा है, दरख्त है। अभी ये सारे यहाँ पर बनाए हुए हैं, अभी वहाँ जाना है, वहाँ 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 देखते हैं कौन कौन सी कंट्री के बनाए हैं। आई होप सऊदीया का भी हो, मे बी। ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है गार्डन, लेट्स सी, अंदर जाके देखते हैं। वाओ, ये मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ओह वाओ, पिरामिड्स भी आई थी, वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। वो शीशे मिरर भी हैं, वाओ, ये ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा। यहाँ
सारे मिरर्स हैं यहाँ से, मैं बता रही हूँ आपको, प्लीज़ बहुत प्यारा लग रहा है यार। सो ये रही हूँ मैं, सेम इनके साथ मैच कर रही हूँ, बहुत प्यारा। पता नहीं किस किसका गार्डन है, बाहर जाके देखते हैं कि जो नेम लिखा होगा होगा किस कंट्री का। थाईलैंड गार्डन ऑफ द माइंड, वाओ, ये थाईलैंड का इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया, गार्डन ऑफ द माइंड, सो ब्यूटीफुल। गाइस अब हम चाइना में एंटर होने लगे हैं, चाइना का है इधर, इतनी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री लिख के चले, अंदर चलते हैं। वाओ ये इनकी स्टार्टिंग है, चाइना का गांव भी बनाया हुआ, लेट्स सी अंदर कैसा है। ओ वाह, हम लोग चाइना में हैं, वाओ ये कितना प्यारा बैम्बो, इनको बैम्बो ट्री कहते हैं, ये जो है ना बहुत खूबसूरत है। लव चाइना गार्डन, आई लव चाइना गार्डन, इतनी खूबसूरती। यहाँ जर्मन वाले तो बहुत बोर होते हैं ओबियसली, सबको ही पता है बहुत बोरिंग है, लेकिन चाइना का तो देखें गार्डन, वाओ। और बेस्ट चीज़ ये है, ये जो यहाँ से सीधा चलकर जाएंगे वो सीधा मिरर है, डिफरेंट है मुझे यहाँ, ये डिफरेंट लगा कि ये मैंने नहीं देखा यहाँ जर्मनी में, और ये बहुत प्यारे पिंक कलर के फ्लावर, बहुत प्यारा कलर लगा, कैमरे में नहीं नजर आ रहा जितना, लाइव देखने में बहुत प्यारा है। ये चेक करें, ये बहुत प्यारे हैं, क्या खूबसूरती है ये वाकई गाइस, वाह माय गॉड, बहुत सॉफ्ट है ये, ये बहुत सॉफ्ट है, ये ऐसे ही पकड़ते तो ऐसे ही हाथ में आ जाते हैं, ये ऐसे वाले हैं, ये ट्री बहुत प्यारा ट्री है, ये देखें खूबसूरत, सुभान अल्लाह। सो गाइस हम लोग अभी लिबनान गार्डन में जाने लगे हैं, और देखते हैं लिबनान के गार्डन कैसे होते हैं, और लिबनान की खासियत ये बताई गई है कि ये जो इनके कॉरिडोर होते हैं ये ग्रीन होते हैं, जैसे ये हैं एंड इनके कॉरिडोर ग्रीन होते हैं, ग्रीनरी, ओ ये है लिबनान गार्डन, वाओ प्यारा है। ऐसा था जापान में देखी थी, वो दूर से भी बहुत प्यारा लग रहा है। गाइस हम लोगों को 22 गार्डन कवर करने हैं अभी, तो जो मैंने आपको दिखाया ना ये अब ये है फिर वो है, देखते हैं, प्यारा लग रहा है, और ये मुझे नहीं पता कौन सा है, अब इसका नेम जो है वो आ गया, वाओ यहाँ से देखें वहाँ लिखा हुआ इसका नाम, कि मिट्टी देखें, इसकी मिट्टी भी इन्होंने डिफरेंट दी हुई है, ऑरेंज कलर की, ऑरेंज या ब्राउन। गाइस आप लोग मुझे बताएं आपको कौन सा गार्डन लग रहा है, दुनिया में इतने गार्डन हैं। सो ये है ऑस्ट्रेलियन गार्डन, द क्रिएटिव ऑफ पावर ऑफ फायर गार्डन, ये ऑस्ट्रेलियन जो इंस्पायर्ड बाय फायर, कहते हैं आग लगाते थे ज़मीनों पर ताकि तेल निकले, ये निकले वो नहीं, ऑस्ट्रेलियन inspired by fire। ओ तभी मैं कहूँ यहाँ पर पत्थर क्यों रखे, इन पत्थरों से आग बनती है, इनको अगर ज़्यादा करेंगे तो इनसे आग बनती है। ये कौन सा, ये गार्डन
ब्रांड यहाँ पर सारी दुनिया जान के उन्होंने गार्डन बनाया है बर्लिन में, जर्मनी में, सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, इंटरनेशनल गार्डन। चले तो ये आज पब्लिक हॉलीडे और पूरी दुनिया आई हुई है यहाँ पर घूमने के लिए, लोग इंजॉय करने के लिए यहाँ से देखते हैं। सो गाइस ये है, ये बहुत प्यारा मुझे लग रहा है ये वाला, ये वाओ ये चेक करें ये कितना खूबसूरत है। ये एरिया भी, ये वाला एरिया भी बहुत प्यारा लग रहा है। सो ये देखते हैं कौन सा, ये इस तरह का कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है अंदर से देखते हैं। मुझे जो ख्वाहिश है कि सऊदीया का भी गार्डन हो, आई होप। वाओ वाओ ब्यूटीफुल, ये कौन सी कंट्री का है, वाओ गाइस बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये जैस्मिन है सारे, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये चेक करें, ये पता नहीं लेमन, हाँ ये लेमन है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्री में कभी इसे, क्योंकि मेरा कभी हुआ नहीं ना कहीं ट्री वगैरह देखे जहाँ पर एप्पल हो या बनानास हो, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये बने हुए लेमन, जो बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। आई थिंक ये जैस्मिन ये लेमन का है, तभी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। जैस्मिन का ट्री कैसा होता है मैंने नहीं कभी देखा, देखूँगी। गाइस इतनी प्यारी खुशबू आ रही है लेमन, फ्रेश लेमन, ये सारे लेमन बने हुए हैं यहाँ से, ये देखें काफ़ी सख्त। और ये यहाँ पर लोगों ने कॉइन्स सब फेंके हुए हैं, सारे कॉइन्स फेंके हुए हैं, हेलीकॉप्टर जा रहा है। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं इस्लामिक गार्डन, वहाँ इन्होंने इस्लामिक गार्डन भी बनाया है, बहुत मुझे खुशी हुई है। लेट्स सी उनको ढूंढते हैं जल्दी से, यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चलता बहुत के ट्यूलिप्स कितने ज़्यादा है। तो गाइस ये है इस्लामिक गार्डन जो उन्होंने बनाया, लेकिन अभी वो बंद था और देख के बहुत ज़्यादा मेरा दिल सेट हुआ। ऑब्वियसली मैं इसी के लिए आई थी इतनी दूर से, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था यहाँ पर इस्लामिक गार्डन भी है, जब आगे जाके पता चला कि यहाँ पर इस्लामिक गार्डन भी बनाया गया है। और देखें यहाँ पर इतने बड़े बड़े लॉक लगे हैं, ताले लगे हैं। तो बस ये इसका ये पूरा सेटअप बनाया, और बहुत ही बड़ा माशाल्लाह इन्होंने बनाया, और बहुत प्यारा अंदर से बनाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और इन्होंने और लोगों को, जिन लोगों को नहीं इस्लाम के बारे में पता हो, यहाँ से आके देख सकते हैं, और उनके उनको मतलब पता चलता है यहाँ पर काफ़ी यूरोप में इस्लामिक कल्चर इन्होंने बनाया होता है। लोग उनको फॉलो करें चाहे ना फॉलो करें, ये उन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इन यूरोप में इस्लाम का कल्चर है, ये मैंने खुद देखा है। तो इस साइड पर आते हैं कोरियन और इटालियन और चाइनीज़, जो इन्होंने बहुत प्यारे एक और चाइनीज़ गार्डन बनाया, वो भी देखना बाकी, अभी वो सब पेंडिंग है, वो मैं पार्ट टू में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और इस्लामिक जो गार्डन है वो मैं ज़रूर देखूंगी, खुद भी देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और ये गाइस ये फ्लावर्स जैसे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, मे बी कैमरे में इतने अच्छे कैप्चर नहीं हुए हैं, लेकिन जब आप इसको लाइव देखते हैं तो आप लोग जस्ट इनको देखते ही रहते हैं। बहुत प्यारे कलर्स और बहुत प्यारे फ्लावर्स लग रहे थे, और सारी खुशबू फैली हुई थी, मैं तो एक एक फ्लावर देख के मर रही थी, मैंने वाह वाह, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखे लाइफ में, और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो जो उसके बाद ये इटालियन का शुरू हो जाता है गार्डन, जो इटालियन के यहाँ से सारे वाटरफॉल जो भी इन्होंने बनाए होते हैं, ये सब शुरू हो जाता है।